बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस लेक्चर के अंदर 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है। इसमें हमने फैक्टराइज करना है। अरेंज कर लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स क्यूब माइनस 216, उसके बाद माइनस 18 एक्स स्क्वायर प्लस 108 एक्स आता है। इसमें देखें एक्स क्यूब माइनस 216 जो है 6 का क्यूब है, माइनस इसमें हम कॉमन ले लेते हैं 18 एक्स कॉमन है, एक्स माइनस 6 है, तो यहां तक हमारी कंडीशन है। इसको हम ओपन कर देते हैं क्यूब फार्मूले से। एक्स माइनस 6 क्या आता है, एक ए स्क्वायर प्लस 2 ए भी आता है प्लस बी का स्क्वायर। यह हमारा क्यू फार्मूला है। क्यू फार्मूला से ओपन कर दिया, माइनस 18 एक्स इंटू एक्स माइनस 6 यह आ जाता है। इसको हम ओपन करते हैं, एक्स माइनस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 6 स्क्वायर है तो 36 आ जाता है। 18 एक्स एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 दोनों टर्म्स के अंदर सेम है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स प्लस 36 माइनस 18 एक्स यह आता है। एक्स माइनस 6 यह आता है, एक्स स्क्वायर 18 एक्स माइनस 6 एक्स आता है, ए प्लस 6 एक्स माइनस 18 है तो माइनस 12 एक्स प्लस 36 क्या आता है। अब अगर इस वैल्यू को अगेन फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करें या फार्मूला यूज करके करते हैं तो सेम कंडीशन आती है। इसमें यह है एक्स माइनस 6 ये एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 6 का स्क्वायर आता है। एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 6 का स्क्वायर है। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए क्या आता है, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसमें है स्क्वायर है तो 1 यहां पर सेम वैल्यू होने के बाद क्या करते हैं, एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 स्क्वायर है तो 2 टाइम एक्स माइनस 6 ये आ जाता है। तो क्या करते हैं इसमें, ये है इसको हम सिंगल फॉर्म के अंदर भी राइट कर सकते हैं, 3 टाइम है तो एक्स माइनस 6 क्यूब है, ये आंसर है इसका। इस तरह इसको राइट कर सकते हैं तो ये भी आंसर है हमारा, इस तरह भी राइट कर सकते हैं। इसको फैक्टराइज किया है, फार्मूला यूज किया है, क्यूब फार्मूला भी यूज करते हैं। इसमें क्यूब फार्मूला ये है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह ए क्यूब प्लस बी का क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये फार्मूलाज है क्यूब का। स्क्वायर फार्मूलाज भी यूज होते हैं, जहां पे स्क्वायर फार्मूलाज की कंडीशन बनती है जो स्क्वायर फार्मूलाज यूज करते हैं। तो इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है रफ रजिस्टर पे, उसके बाद नीट पे आपने नोट्स बनाने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चंस करते हैं।